नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। लंबी शांति के बाद एक बार फिर से राजस्थान में सियासी तूफान खड़ा होने वाला है। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट का नाम लेकर उन पर सरकार गिराने की कोशिश करने का जो आरोप लगाया है, उससे राजस्थान में 2 साल पहले वाले हालात पैदा होने के असर दिखने लगे हैं। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सचिन पायलट अब भी वही सब्र दिखाएंगे जिसके लिए राहुल गांधी ने उनकी तारीफ की थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि 2 साल तक चुप्पी साधे रहे सचिन पायलट अब भी पायलट बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय से ये कोशिश, ये कयास लगा रहे हैं कि शायद उन्हें राजस्थान की सत्ता उनके हाथ में सौंप दी जाएगी। आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते शनिवार को लक्ष्मण जिले में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला करते हुए सचिन पायलट का नाम भी लिया और कहा दोनों ने मिलकर राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश रची। शेखावत को एबीसी का नोटिस तक मिलने को लेकर गहलोत ने कहा कि वो सरकार गिराने की साजिश का मुख्य किरदार थे। गहलोत ने कहा, आप एक्सपोज हो गए हैं और अब कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने चूक कर दी, आपने ठप्पा लगा दिया कि पायलट के साथ आप मिले हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर ऐसे समय में हमला किया जब राहुल गांधी की ओर से सचिन पायलट की तारीफ के मायने लता तलाशे जा रहे थे। जी हाँ, ईडी की पूछताछ को लेकर जिस तरह से दिल्ली में सचिन पायलट ने जो एक सत्याग्रह में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, उसके बाद राहुल गांधी भी खुद को सचिन पायलट की तारीफ करने से रोक नहीं पाए और ये बात अशोक गहलोत को जरा भी नहीं भाई। यही वजह है कि जब से अशोक गहलोत दिल्ली से राजस्थान पहुंचे हैं, वो लगातार सचिन पायलट पर हमला बोल रहे हैं और अब जो उन्होंने सचिन पायलट को लेकर ये बयान दे दिया है, आखिरकार क्या सचिन पायलट अब भी पहले की तरह चुप्पी साधेंगे या फिर अशोक गहलोत के इस वार पर पलटवार करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबी शांति के बाद फिर से राजस्थान में सियासी तूफान तो आ गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।